हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इफेक्टिव लर्निंग। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एपिकल्चर एंड मेथड ऑफ एपिकल्चर। एपिकल्चर इज रियरिंग द बी इन कैप्टिविटी फॉर ऑब्टेनिंग हनी एंड फॉर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। एपिकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी का पालन, उनको कैद करके। कैप्टिविटी का मतलब होता है उनको कैद करना। फॉर ऑब्टेनिंग हनी, हनी को ऑब्टेन करने के लिए, एंड फॉर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के लिए। बिफोर मैन लर्न टू मैनुफैक्चर शुगर, ही यूज़ टू स्वीटन हिज ईटेबल विद हनी ओनली। जब मैन ने शुगर नहीं बनाई थी, उससे पहले वो अपने जो खाने पीने का सामान था उसको हनी से स्वीटन करता था, मीठा करता था। दस हनी बी हैज़ बीन एसोशिएटेड विद मैन फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक डेज एंड हैव रीच द हाइस्ट डिग्री ऑफ डोमेस्टिकेशन। इसलिए जो हनी बी है वो एसोसिएटेड है मैन के साथ प्री हिस्टोरिक डेज से, और ये किस में हेल्प करती है, डोमेस्टिकेशन में हेल्प करती है। हनी वॉज एंड स्टिल एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ ह्यूमन डाइट। हनी जो है वो एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ह्यूमन डाइट का। इट ऑल्सो हैज़ मेडिसिनल इम्पोर्टेंस। इसकी क्या है, मेडिसिनल इम्पोर्टेंस भी है, मेडिसिन में भी यूज़ होता है। मेथड ऑफ एपिकल्चर, देयर आर टू पॉपुलर मेथड ऑफ एपिकल्चर इन इंडिया। दो पॉपुलर मेथड है एपिकल्चर के इंडिया में। फर्स्ट है हमारा इंडिजीनियस मेथड ऑफ एपिकल्चर, एंड सेकंड है हमारा मॉडर्न मेथड ऑफ एपिकल्चर। अब देखते हैं इंडिजीनियस मेथड ऑफ एपिकल्चर क्या है। इंडिजीनियस मेथड ऑफ एपिकल्चर, दिस इज़ द क्रूड मेथड एंड यूज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइव। ये क्रूड मेथड है, मीन्स ये जो है अनप्योर मेथड है, और इसमें दो तरह के हाइव हम यूज़ करते हैं। हाइव मीन्स होता है मधुमक्खी का छत्ता। द वॉल और फिक्स्ड हाइव, फर्स्ट है हमारा वॉल और फिक्स्ड हाइव। दिस टाइप ऑफ हाइव आर कंस्ट्रक्टेड बाय हनी बी। ये किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट होता है, हनी बी के द्वारा कंस्ट्रक्ट होता है। ऑन द वॉल और टी ट्रिंग्स, या तो वॉल पे कंस्ट्रक्ट होगा या फिर ट्रीज की ब्रांचेस पे कंस्ट्रक्ट होगा। हाइव आर ओपन ओनली ऑन वन साइड फॉर द एंट्री ऑफ हनी बी। हाइव जो हैं केवल एक ही साइड से ओपन रहते हैं, किसके लिए, हनी बी की एंट्री के लिए। सेकेंड है हमारा मूवेबल हाइव। ये हाइव या तो वुडन बॉक्सेस में बना होगा, और इन द अर्थन पॉट, या फिर जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनमें बना हुआ होगा। हाइव आर ओपन एट बोथ साइड, इसमें क्या होता है, हाइव दोनों साइड से ओपन होता है। दिस कैन बी प्लेस्ड इन ओपन इन वन कॉर्नर ऑफ द हाउस। ये हम इनको कहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, ओपन में प्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं इनको ओपन जगह में, या फिर एक कॉर्नर में, घर के एक कॉर्नर में हम इसको रख सकते हैं। हनी भी कम इन सॉन एंड सेटल इन दिस हाइव्स। हनी भी जो है वो झुंड में आती हैं और इनमें सेटल हो जाती हैं। एज एन अल्टरनेटिव दिस हाइव्स में बी प्लेस्ड नियर ट्रीज। हम इनको क्या कर सकते हैं, हम ट्रीज के पास भी रख सकते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी, हनी का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, फायर इज़ बर्न नियर द हाइव एट नाइट। या तो हम क्या करेंगे, फायर को, फायर लगा देंगे हाइव के, हाइव में नाइट में। एदर द स्मोक मेक द हनी टू फ्लाई अवे लीविंग द हाइव, और दीज आर बर्न अलाइव। या फिर हम क्या करेंगे, स्मोक से हनी वी को उड़ा देंगे, या फिर हम उसको जिंदा जला देंगे। हाइव इज़ देन कट इन टू पीसेस। इस उसके बाद हम क्या करेंगे, हाइव को पीसेस में कट कर लेंगे, और हनी इज़ स्क्वीज्ड आउट ऑफ देम, और हनी को क्या कर लेंगे, हम उसको निचोड़ लेंगे। अब देखते हैं हम डिसएडवांटेज ऑफ इंडिजीनियस मेथड ऑफ एपिकल्चर। हनी इज़ कंटामिनेटेड विद पोलन, एग एंड लार्वा ऑफ हनी हाइव। हनी क्या होता है, कंटामिनेट हो जाता है पोलन ग्रेन से, एग से, और लार्वा से कंटामिनेट हो जाता है इस मेथड में। द एग एंड लार्वा आर डिस्ट्रॉय, इसमें क्या होता है, एग और लार्वा जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इट टेक्स लॉन्गर फॉर मेकिंग ए न्यू हाइव, और न्यू हाइव बनाने के लिए बहुत समय लग जाता है। एक्टिविटी ऑफ हनी बी कैन नॉट बी कंट्रोल, एक्टिविटी जो होती है हनी बी की हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग न्यू हाइव एट द ओल्डर प्लेसेस आर ग्रेटली रिड्यूस। जो पॉसिबिलिटी होती है न्यू हाइव बनाने की ओल्डर प्लेसेस पे, पुराने जो प्लेसेस हैं जिस पे पहले से हाइव बना हुआ है, वहाँ पर जो पॉसिबिलिटी होती है हाइव बनाने की वो रिड्यूस हो जाती है। सच हाइव आर ऑफ्टन डिस्ट्रॉय बाई रैट्स, आंट्स, वास्प एंड मंकी। ये जो हाइव होते हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इन एनिमल्स के द्वारा, रैट्स, आंट्स, वास्प एंड मंकी के द्वारा हाइव डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। देयर आर नो चांस ऑफ इम्प्रूविंग हनी बी रेस। इसलिए क्या है, कोई चांस नहीं है हनी बी रेस को इम्प्रूव कराने के लिए इस
मेथड में हाइव्स कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द बैड इफेक्ट ऑफ वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर। इसमें क्या होता है, हाइव को हम प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते बैड इफेक्ट से एनवायरमेंट के। सेकेंड आता है हमारा मॉडर्न मेथड ऑफ एपिकल्चर। दिस इज़ द मोर एडवांस मेथड इन एपिकल्चर। ये क्या है, ज़्यादा एडवांस मेथड है एपिकल्चर का। इट हैज़ नाउ अचीव द लेवल ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट 2000 ऑफ पीपल। ये क्या अचीव कर लिया है इसने, किसका लेवल, स्मॉल इंडस्ट्री का, और ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है 1000 ऑफ पीपल को। द प्रोसेस इन्वॉल्व, ये प्रोसेस इन्वॉल्व करता है, देखते हैं। मूवेबल हाइव क्या होता है, इसमें मूवेबल हाइव होता है। सच ए हाइव इज़ कंस्ट्रक्टेड इन वुडन बॉक्सेस ऑफ वेरियस हाइट। ये हाइव जो होता है कंस्ट्रक्ट होता है वुडन बॉक्सेस पे, जिसकी क्या होती है, वेरिएबल हाइट होती है। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट, और ये क्या है, फॉलोइंग पार्ट कंसिस्ट करके रखता है। फर्स्ट है इसका बेसल पार्ट। बेसल पार्ट, इट कंसिस्ट ऑफ स्टैंड ऑन विच हाइव इज़ कंस्ट्रक्टेड। ये क्या होता है, ये स्टैंड की तरह से कंसिस्ट करके रखते हैं हम इसको, जिस पे हाइव हमारा बनता है। इट इज़ मेड स्लाइटली टिल्टेड टू अवॉइड एक्यूमुलेशन ऑफ रेन वाटर इन दी हाइव। ये क्या होता है, थोड़ा सा तिरछा होता है, किस लिए होता है, जिससे कि रेन वाटर जो है वो एक्यूमुलेट ना हो, उससे बचने के लिए। सेकेंड आता है हमारा बॉटम बोर्ड। ये इट इज़ द प्लेस्ड ऑन द स्टैंड। ये कहाँ पर, स्टैंड पर रखा हुआ होता है, और ये एंड फॉर्म द फ्लोर ऑफ हाइव। और क्या बनाता है, फ्लोर बनाता है हाइव का। इट हैज़ टू डोर्स, वन एक्ट एज एन इनलेट एंड अदर एक्ट एज एन आउटलेट। इसके दो डोर्स होते हैं, एक इनलेट की तरह से हेल्प करता है, एक्ट करता है सॉरी, और दूसरा आउटलेट की तरह से एक्ट करता है। थर्ड आता है हमारा ब्रॉड चैम्बर। ब्रॉड चैम्बर क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइव का। इट हैज़ 5 to 10 फॉर्म्स। इसकी क्या होती हैं, 5 से 10 फॉर्म्स होती हैं। ईच फॉर्म्स कंटेन हेक्सागोनल फ्रेम्स हैंगिंग द वायर। हर फॉर्म जो होती है वो हेक्सागोनल फ्रेम्स कंटेन करके रखती है, जो कि किससे हैंग होती है, वायर से। दीज आर कवर्ड विद वैक्स। और ये जो हमारी हेक्सागोनल फ्रेम है, ये किससे कवर्ड होती है, वैक्स से कवर्ड होती है। हनी बी विंग फॉर्मेशन ऑफ कॉम्ब चैम्बर अलोंग विद मार्जिन ऑफ हेक्सागोनल फ्रेम। हनी भी जो है वो फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है कॉम्ब का, किसके मार्जिन से, हेक्सागोनल फ्रेम के। ईच वैक्स लेयर इज कॉल्ड कॉम्ब फाउंडेशन। हर वैक्स लेयर को हम क्या कहते हैं, कॉम्ब फाउंडेशन। द फॉर्म्स आर प्लेस्ड वर्टिकली इन द हाइव। फॉर्म्स जो होती हैं ये वर्टिकली प्लेस्ड होती है हाइव में। दीज आर कन्वर्टेड विद वायर मैश। और ये कवर्ड होती हैं किससे, वायर मैश से कवर्ड होती हैं। थ्रू विच वर्कर बी कैन पास थ्रू, जिसकी वजह से क्या होता है, वर्कर बी जो होती है वो हमारी पास हो जाती है। अबोव द ब्रूड चैम्बर इज़ अनदर चैम्बर कॉल्ड सुपर चैम्बर। इसके अबोव में कौन सा होता है, हमारा ब्रूड चैम्बर के अबोव में सुपर चैम्बर होता है। ये डायग्राम है हमारा आर्टिफिशियल मूवेबल हाइव का। ये हमारे स्टैंड है, फिर इसके ऊपर आता है हमारा बॉटम बोर्ड, फिर ब्रूड चैम्बर, फिर सुपर चैम्बर, फिर इनर कवर, देन टॉप कवर। फोर्थ आता है हमारा सुपर चैम्बर। दिस चैम्बर इज़ विदाउट बेस एंड कवरिंग। इस चैम्बर में ना ही कोई बेस होता है, ना ही कवरिंग होती है। इट कंटेन सेवरल फॉर्म्स विद वैक्सी कवरिंग। इसकी क्या होती है, कुछ फॉर्म्स होती हैं जो किसकी बनी होती है, वैक्स की बनी होती है, वैक्स की कवर होता है उनके ऊपर। दिस प्रोवाइड एडिशनल स्पेस। ये क्या प्रोवाइड करता है, एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करता है। देन फिफ्थ आता है हमारा इनर कवर। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ वुड एंड कवर द सुपर चैम्बर। ये वुड का बना हुआ होता है और सुपर चैम्बर को कवर करता है। इट इज़ परफोरेटेड फॉर द पैसेज ऑफ एयर। ये परफोरेटेड होता है, इसमें छेद होते हैं, परफोरेट का मतलब होता है छेद होना, फॉर द पैसेज ऑफ एयर, जिससे कि एयर हमारी आ सके। देन सिक्स्थ होता है हमारा आउटर कवर। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ जिंक शीट। ये किसका बना होता है, जिंक शीट का बना हुआ होता है। इट प्रोटेक्ट द हाइव फ्रॉम रेन। ये हाइव को रेन से प्रोटेक्ट करता है। इसमें दो आते हैं हमारे, क्वीन एक्सक्लूडर एंड हनी एक्सट्रैक्टर। क्वीन एक्सक्लूडर क्या होता है, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ वायर एंड होल्स आर अबव अबाउट 0.3 to 0.75 millimeter वाइड। ये वायर का बना हुआ होता है और इसमें होल्स होते हैं जो कि इतने मिलीमीटर वाइड होते हैं। ड्रोन्स एंड वर्कर बी कैन पास थ्रू द नेट बट नॉट द क्वीन। ड्रोन्स और वर्कर जो होते हैं वो इसके थ्रू पास हो जाते हैं, लेकिन क्वीन इसके थ्रू पास नहीं होती। देन आता है हमारा हनी एक्सट्रैक्टर।
दिस इज़ यूज टू कलेक्ट हनी फ्रॉम द हाइव विदाउट कॉजिंग इट एनी डैमेज. ये यूज़ होता है हनी कलेक्ट करने के लिए हाइव से विदाउट कॉजिंग इट एनी डैमेज, बिना किसी नुकसान पहुँचाए. इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज. ये वर्क करता है किसके किसके प्रिंसिपल पे? सेंट्रीफ्यूज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है. मैन सफिशियंट हनी इज़ कलेक्टेड इन दी हाइव. जब पर्याप्त हनी कलेक्ट हो जाती है हाइव में, इट्स चैम्बर आर प्लग्ड विद गम. इसका चैम्बर जो है वो गम से हम इसको प्लग्ड कर लेते हैं. द हाइव इज़ हीटेड इन स्टीम. हाइव को हम स्टीम में हीट करा देते हैं. और इसका वैक्स, इट्स वैक्स इज़ रिमूव्ड विद ए शार्प नाइफ. और इसके वैक्स को हम शार्प नाइफ से रिमूव करा लेते हैं. द हाइव इज़ देन प्लेस्ड इन सेंट्रीफ्यूज और हनी एक्सट्रैक्टर. फिर हम हाइव को सेंट्रीफ्यूज में रख देते हैं या फिर हनी एक्सट्रैक्टर में रख देते हैं. अब पढ़ते हैं हम बेनिफिट ऑफ मॉडर्न मेथड. मॉडर्न मेथड के क्या क्या बेनिफिट है. द एक्टिविटी ऑफ हनी वी कैन बी कैप्ट अंडर कंट्रोल. जो एक्टिविटी होती है वो हनी वी की, वो हमारे कंट्रोल में रहती है. शुगर एंड पोलन ग्रेन्स कैन बी प्रोवाइडेड टू द मेम्बर ऑफ कॉलोनी टू गेट हेल्दी कॉलोनी ऑफ बी. हम शुगर और पोलन ग्रेन्स मेम्बर को, कॉलोनी के मेम्बर को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि हमारी हेल्दी कॉलोनी हो. एब्सकॉन्डिंग ऑफ बीज कैन बी अवॉइडेड. जो हनी भी फरार हो जाती हैं उनका बचाव करता है ये, अवॉइड करता है उसको. द हाइव्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम आंट्स, वेस्प एंड रेट्स. जो हाइव है वो प्रोटेक्ट होता है आंट से, वेस्प से एंड रेट से. द सेम हाइव कैन बी यूज अगेन एंड अगेन. सो द वर्कर बी कैन कंसनट्रेट ऑन मैनुफैक्चरिंग हनी विदाउट बॉदरिंग प्रिपेयरिंग वैक्स. सेम हाइव हम यूज़ करते हैं अगेन एंड अगेन, इसलिए क्या होता है वर्कर भी वो कंसनट्रेट करती हैं हनी बनाने में, बिना बॉदरिंग के प्रिपेयरिंग वैक्स. वैक्स का ख्याल ना करके वो हनी बनाने में कंसनट्रेट करती हैं. द हाइव कैन ईजली बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. हाइव जो है ये ईजली ट्रांसपोर्ट हो जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर. प्योर हनी कैन बी ऑब्टेन. प्योर हनी ऑब्टेन होता है इस मेथड के द्वारा. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.